तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मैं इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इस एरर को आप लोग कैसे फिक्स कर सकते हो। चाहे आपके पास कोई भी सैमसंग का फोन हो, न्यू मॉडल का हो जिसमें कि ये तीन बटन होते हैं, या फिर ओल्ड मॉडल हो जिसमें एक बीच में होम बटन होता है, कोई भी सैमसंग का फोन हो ये एरर आ रहा है तो कैसे फिक्स करना है। देखो, इसको फिक्स करने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अपने फोन के अंदर सही फ्लैश फाइल को डाल दो। और एक तुमको मिसकंसेप्शन भी बता दे रहा हूँ, और एक मतलब बीच का एक ऐसा रास्ता भी बता दे रहा हूँ जहां पे तुम्हें लगेगा तुम सही जा रहे हो पर रास्ता थोड़ा सा मुड़ा होगा, अब तुमको समझ नहीं आ रहा होगा। दरअसल क्या होता है कि कई बार, ज्यादातर केस में नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका फोन और आपकी जो फ्लैश फाइल है बिल्कुल सही होती है, पर आपके जो फोन की MMC IC है वो खराब होती है, तो आपका फोन यहीं पर अटक जाता है और खराब हो जाता है। ठीक है, बट ये मतलब 100 में से सिर्फ एक बार 1% चांस होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने फोन के लिए एकदम सही फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है और फ्लैश करना है, सही हो जाएगा। पर बात यहाँ ये आती है कि सही फ्लैश फाइल हम कैसे डाउनलोड करेंगे, कौन बताएगा कि सही फ्लैश फाइल क्या है। तो मैं बता रहा हूं ना, अब देखो जो अभी मेरे पास फोन है, इस फोन के ऊपर यहाँ पे इस जगह पे इस टाइप से लॉग एक लिख के आ रहा है। ठीक है, इसी लॉग की मदद से हम लोग मतलब सही फ्लैश फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसे फोन होते हैं जिसमें सिर्फ ये स्क्रीन होती है और ये जो लॉग है ना यहाँ पे ये नहीं लिख के आ रहा होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास उस कैटेगरी का फोन है जिसमें सिर्फ यही स्क्रीन आ रही होती है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ले लेना है अपने कंप्यूटर को। ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर आपको क्या करना है, एक टूल को डाउनलोड करना है। अब वो टूल कहाँ मिलेगा, मेरी इसी वीडियो के पिन कमेंट में वो टूल है, प्लस मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर भी वो टूल आपको मिल जाएगा, कहीं से भी आप ले सकते हो। इस टूल का नाम है FRP हाईजैकर। इसको हम लोग ओपन करके यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब ये क्या करता है कि आपके फोन की ये वाली जो स्क्रीन है ना, इसको ये गायब कर देगा और फोन को ऑन करेगा। बट आपका फोन जाहिर सी बात है पूरा ऑन नहीं होगा, सैमसंग आएगा बंद हो जाएगा, सैमसंग आएगा बंद हो जाएगा, या सैमसंग पे रुका रहेगा, यही सब होगा, ऑन नहीं होगा आपका फोन। ठीक है, तो हम लोग वो चीज करेंगे पहले, सैमसंग आए बंद हो जाए। ऐसा क्यों करना है अभी मैं बताता हूँ। देखो, अभी आपका फोन जब इस कंडीशन पे होता है ना, ठीक है, और आपके में ये लॉग भी नहीं आ रहा होता है, तो इस फोन के अंदर एक स्पेशल डाउनलोड मोड होता है। उस डाउनलोड मोड तक तुम लोग नहीं पहुंच सकते, और अगर तुम लोग उस डाउनलोड मोड तक नहीं पहुंच सकते तो तुम्हें ये लॉग पढ़ने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक, अभी आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां से मैंने केबल भी लगा दी अभी। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, देखो यहां पे केबल को ऐसे लगाओ, केबल लगाई। ठीक, अभी आपने क्या किया, केबल लगाने के बाद आपको इसको क्या करना है, स्कैन करना है। अब कई बार एक चीज और मैं बीच का मामला बताता हूँ, कई लोगों में ये टूल ओपन नहीं होता। क्यों नहीं ओपन होता, क्योंकि एंटीवायरस उनका प्रॉब्लम कर रहा होता है। अगर तुमने टूल डाउनलोड किया ओपन नहीं हो रहा है तो पहले एंटीवायरस बंद करो पूरी तरीके से, फिर से डाउनलोड करो, फिर ओपन करो, हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ बढ़िया। अभी क्या है कि मैंने कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करते ही यहां देखो एक ड्राइवर का यहाँ पे नाम आ रहा है, सैमसंग मोबाइल USB मॉडम। ठीक है, अगर तुम्हारे में ये भी नहीं आ रहा है तो भी मैं बता रहा हूँ क्या करना है, तब तुम्हारे फोन के अंदर सैमसंग के ड्राइवर्स डाउनलोडेड नहीं है। अगर आ रहा है तब तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो तुम्हें सबसे पहले सैमसंग के ड्राइवर्स को डाउनलोड करना है, और उनको करने के लिए आई बटन के ऊपर एक पूरी सैमसंग की प्लेलिस्ट ही मैंने दे रखी है, वो देख लो। ठीक है, चलो अब मैं मानता हूँ कि तुमने ड्राइवर्स को डाउनलोड कर लिया है, सही से इंस्टॉल कर लिया है और ये आ रहा है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे सॉफ्ट ब्रिक फिक्स लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर टैप करो और हाई जैकेट के ऊपर टैप कर दो। बस अभी यहाँ पे देखो, फिक्सिंग सॉफ्ट ब्रिक एरर। और कई बार क्या होता है, ये कई बार मैं बता रहा हूँ, अभी तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो गया है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे खाली इतना ही आ जाता है और फोन उसी जगह पे रुका रह जाता है, फोन उसी जगह पे रुका रहेगा और इतना एरर आ जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, ये प्लस माइनस और होम बटन, ये पावर बटन सॉरी, तीनों को दबाए रखोगे तो फोन रिस्टार्ट हो जाएगा और तुम्हारा फोन कुछ इस टाइप के सेक्शन में आ जाएगा। मतलब कभी लिख के आएगा सैमसंग, फिर ऑफ होने लगेगा, और कभी फिर ऑन होगा, फिर ऑफ होगा, और यही तो हमें चाहिए था। तो ये करने के बाद अब आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि अब आप लोग अपने फोन को डाउनलोड मोड डाल करके लॉग को पढ़ सकते हैं। अभी कैसे डाउनलोड मोड डालना है, इस टाइप से ऑन ऑफ होता रहेगा ना, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले अपनी केबल को इसके अंदर लगा देना है। मैं ये उन लोगों के लिए मेथड बता रहा हूं जिनके में ये तीन बटन है। ठीक है, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके फोन की बैटरी निकल सकती है तो वो बैटरी निकाल दे, लेकिन ये वही फोनों में होता होगा जिनमें होम स्क्रीन, यहाँ पे होम बटन भी मिलता है। ठीक है, तो बैटरी निकाल दे अपनी, और वो क्या करे,
कि अपने फोन की मतलब होम बटन अगर है तो पावर होम और वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम इधर होता है नहीं पावर इधर होता है, वॉल्यूम डाउन होम तीनों को दबाए रहे डाउनलोड मोड पहुंच जाएगा उसका। बट मैं इस फोन के लिए बताता हूँ, केबल हमने कंप्यूटर से लगाई, अभी आपको क्या करना है अपने फोन को ऐसे तीनों बटन को दबाना है और फोन जैसे ही बंद हो जाए, जैसे स्क्रीन ब्लैक हो, पावर बटन छोड़ना है, सिर्फ वॉल्यूम अप और डाउन दबाए रखना है। देखो दबाए रखा मैं, बंद हुई थी, मैंने पावर बटन छोड़ा, सिर्फ वॉल्यूम प्लस और माइनस दबाए रखा, सैमसंग यहाँ पे आया और फिर गायब हुआ, और अभी देखना क्या आएगा, ये बहुत ही गजब। हम लोग पहुंच चुके अपने फोन के डाउनलोड मोड में, और ये डाउनलोड मोड बहुत ही जादुई मोड होता है। अगर मैं वॉल्यूम अप दबा दूं ना, तो यहाँ पे देखो अब तुम्हें बहुत ही अच्छे से दिख रहा है लॉग, और ये लॉग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस लॉग के अंदर यहाँ पे देखो ये B1 है या फिर U1 आप लोगों में आएगा, B1 U1 और कुछ लोगों में जो भी नंबर आपके में लिखा हो, B और U के आगे जो भी नंबर हो, ठीक है। अगर मान लीजिए B के आगे कोई अलग नंबर है, U के आगे कोई अलग नंबर है, तो आप लोग क्या करो, उसकी फोटो क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है मेरी, वहां पे जाके पोस्ट कर देना और मैं बता दूंगा आपका बाइनरी वर्जन क्या है। अभी आप सोच रहे कि मैं बाइनरी वर्जन के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्या ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है? बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि सैमसंग की जितनी भी फाइलें होती हैं एक ही मॉडल की, उनको एक ही फोन के अंदर फ्लैश नहीं किया जा सकता। मान लो मेरे फोन का नाम है A0355, इसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड की, और अगर वो बाइनरी वर्जन 1 से अलग हुई, ठीक है, B1 के अलावा B3 की बाइनरी वर्जन की फाइल हुई और फोन का मॉडल सेम है, पर तुम इसमें चढ़ा नहीं पाओगे, एरर ही आएगा, ठीक है। तो तुम्हें सेम बाइनरी वर्जन की फाइल को डाउनलोड करना है। अब तुम लोग सोचोगे कि मैं फाइल डाउनलोड कैसे करूं और सेम बाइनरी वर्जन तो मुझे पता चल गया। अब देखो ये लॉग हर किसी में अलग अलग हो सकता है, ठीक है, मेरे में अलग है, आप लोगों में अलग होगा यहाँ पे, लेकिन याद रखना B1 और यहाँ पे S1 है ना, हो सकता है कहीं B1 U1 और S1 इनमें से कोई होगा, ठीक है। अगर B1 और U1 और S1 तीनों ही 111 है तो बाइनरी वर्जन 1 है, अगर आपका 2 होगा तो वहां पे 2 की फ्लैश फाइल चढ़ेगी। और अगर आपको अभी भी मेरी बात नहीं समझ में आ रही, कंफ्यूज हो रहे हो, दिमाग में नहीं जा रहा है, तो कुछ ना करना, बहुत ही सिंपल सी तरकीब बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके सिर्फ फोटो पोस्ट करना और लिख देना बाइनरी वर्जन बता दीजिए और मैं बता दूंगा वहां पे, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, तुम्हारा इतना काम हो गया, अभी तुमको क्या करना है, इसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है और इसको सिंपल से फ्लैश कर देना है। पूरी की पूरी फ्लैशिंग गाइड मैंने आई बटन के ऊपर बना रखी है, वहां पे जाओ, फ्लैश फाइल कैसे डाउनलोड करनी है, कौन सी वेबसाइट से करनी है, सब बता रखा है। बहुत ही आराम से डाउनलोड करो, उसको कंप्यूटर में डालो, फोन को फ्लैश करो, फोन चलता फिरता बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मेरी बहुत ही और भी कमाल कमाल की वीडियोस हैं, तो इसलिए मेरे चैनल के ऊपर जा करके उन वीडियोस को जरूर चेकआउट करिएगा, आपको देख के बिल्कुल मजा आ जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कमाल की वीडियो में।